370 धारा की जंजीरें काटने वाले आधुनिक चाणक्य अमित भाई शाह आज इस मांगड़ की धरती पर पधारे हैं। मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस धरती पर आए हैं ये माऊजी की तपोस्थली है, ये वो धरती है जो गोविंद गुरु के बलिदान से, कालीबाई के बलिदान से, नाना भाई के बलिदान से जिस भूमि को रक्त रंजित किया गया है, ये बेणेश्वर की भूमि, अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि आज ये परिवर्तन के आगाज के लिए आपका आह्वान लेगी। ये परिवर्तन का रथ या धर्म रथ या कर्म रथ इस मांगड़ के गांव गांव में जाएगा और इसे आठ महीने पुरानी सरकार के कर्मों को, कुकर्मों को पर्दाफाश करेगा। हमारी यह भूमि अपवित्र हुई दुनिया की नजरों में, कल राज्य के मुख्यमंत्री जी यहां पधारे थे, अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए पधारे थे। धारावत की वो घटना जिसमें हमारी एक बहन नग्न हुई है, ये बहन नहीं, ये लाल डायरी की सरकार नग्न हुई है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ हुआ है, हमारी मानवता शर्मसार हुई है। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है राजस्थान में, दहशतगर्दी का वातावरण बना हुआ है, ना कानून है, ना कानून का राज है। गृह मंत्री बने हुए मुख्यमंत्री जी ने इस महकमे को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें अपनी हिलती भी कुर्सी को बचाने की आवश्यकता थी। इसलिए भाइयों, यह किस्सा कुर्सी ने इस राजस्थान के दंश पर जो घाव दिए हैं, उस घाव से राजस्थान को हटाने के लिए किसान के साथ अन्याय हुआ, किसान की जमीन कुर्क हुई, नौजवान लाचार हुआ पेपर लीक के कारण, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं रही और इस आदिवासी क्षेत्र में जब कभी महिलाओं को, हमारी बहनों को स्टाम्प पर बिक्री करने के समाचार हम पढ़ते हैं, मन में पीड़ा होती है। इसी शासन में यहाँ बच्चों की तस्करी की चर्चा चली, इसी शासन में चिकित्सालय से शिशुओं की चोरी होने लगी और यही वही राज है जहाँ एक और अमित भाई शाह साहब ने राम मंदिर बनाकर दशकों पुरानी हमारी अभिलाषा को पूरा किया, वही सालासर में राम दरबार को ध्वस्त करने वाली यह सरकार है। यह सरकार कन्हैया लाल के सर कलम करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने वाली सरकार है। यह सरकार जिसने पीएफआई की रैली की अनुमति दी, जहां एक और तीन तलाक के कानून को बनाकर इस हिंदुस्तान में हमारी अल्पसंख्यक बहन बेटियों की जीवन को ठीक करने का काम किया, वही यह सरकार पीएफआई की रैली की अनुमति देती है। इसलिए भाइयों, इस सरकार की बुनियाद को हिलाने के लिए और कन्हैया लाल के बलिदान का बदला लेने के लिए हमारी संस्कृति पर हमला हुआ। उदयपुर में हनुमान जयंती पर तुगल की फरमान जारी किया गया और ये कहा गया कि हनुमान की पताका लगाओगे तो ठीक नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। आजकल महंगाई राहत कैंप सरकार चला रही है, अन्नपूर्णा किट बांट रही है, आदिवासी भाइयों अन्नपूर्णा किट के भोजन को खा मत लेना। 22 जिलों के अंदर यह मानक पाए गए हैं, इसमें संस्थागत भ्रष्टाचार है। यह स्मार्टफोन बांटने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्टफोन सैमसंग का वो फोन जो 2G स्पेक्ट्रम का जो डिलीट हो गया, जो बिक्री नहीं कर रहा था, उसमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार है। 2 ब्लॉक दिन में बिजली देने वाली यह सरकार आज बिजली के लेकर राजस्थान हाहाकार मचा हुआ है और आपके यहाँ कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही क्या करूं। आपके मंत्री के पुत्र सरेराह पिटाई करते हैं व्यापारी की, सरकार काम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मंत्री के पुत्र के विवाह पर गोलियां दागी जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसलिए कहना चाहता हूँ, अपने हाथ में लाल डायरी ले लेना, इनके कर्मों को, कुकर्मों को लिख लेना। नाथी के बाड़ी की सरकार को सबक सिखाने का वक्त आया है। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।